हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट नोटिफिकेशन को लेकर है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में काफ़ी बड़ा बदलाव यहां पर लाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट की, जो कि यहाँ पर जो है कॉमर्शियल रेंट पर यहाँ पर RCM की अप्लीकेबिलिटी कर दी गई है। सेकेंड जो है मेटल स्क्रैप पर भी RCM आ गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन नंबर 6 जो कि 8 अक्टूबर को आई है। डेट पहले समझ लीजिए कब से आपको इसको फॉलो करना है। तो 10 अक्टूबर इसकी डेट है, ये 10 अक्टूबर 2024 से एनेबल हो चुकी है। तो जो भी पर्सन जीएसटी के अंडर में रजिस्टर्ड है, ध्यान से समझिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर बता रहा हूँ, जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप बाय करते हैं तो उसका जो टैक्स है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इस रजिस्टर्ड पर्सन को डिपॉजिट कराना है। साथ के साथ ही इनको इसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। इसका जो एडजस्टमेंट है GSTR 3B में किया जाता है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रॉपरली GSTR 3B में कैसे आपको RCM की एंट्री करनी होती है वो भी बताया हुआ है। GSTR 1 में इसकी कोई एंट्री नहीं होती, साथ के साथ आप टैक्स पे करते हैं इधर, दूसरा आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं। इसमें जो है सेल्फ इन्वॉइसिंग का भी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है कि आपने कितना माल क्या क्वांटिटी किस डेट में इस पर्सन से लिया है उसके लिए इन्वॉइस भी रजिस्टर्ड पर्सन ही बनाएगा। तो या तो रजिस्टर्ड पर्सन एक काम कर सकते हैं कि वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ही ये मेटल स्क्रैप बाय करें, जो कि इस वाले चैप्टर की जो एंट्री नंबर्स हैं उनमें फॉल करते हैं। इसमें सारे जो भी आइटम्स जैसे आयरन, स्टील्स, जो भी अदर मेटल्स होते हैं उन सभी की यहाँ पर जो है मेटल स्क्रैप में कवर किया गया है। इन सभी एंट्रीज को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चैप्टर के एंट्रीज के नंबर है, ठीक है। सीरियल नंबर 7 एक नई यहाँ पर जो है 8 करके ये एंट्री ऐड की गई है। इससे पहले 7 सीरियल नंबर तक और भी गुड्स ऐसे लिस्टेड है जहाँ पर RCM की एप्लीकेबिलिटी आती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 10 अक्टूबर के बाद, 10 अक्टूबर से ये एप्लीकेबल हो जाएगी। तो 10 अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है आपको यहाँ पर जो है मेटल स्क्रैप पर अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से बाय करते हैं तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में GST पे करना होगा। साथ के साथ आपको क्रेडिट जरूर मिल जाएगा। ये कंप्लायंस है और ट्रैकअप है कि एक तरीके से कि आपने कितना गुड्स जो है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो है वो बाय किया है। तो ये तो रहा मेटल स्क्रैप को लेकर। हालांकि मेटल स्क्रैप पर जो है TDS की भी बात हो रही थी, TDS के प्रोविजन अभी एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर 6 जो है ये केवल RCM की एप्लीकेबिलिटी की बात करती है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहाँ पर एनेबल कर दिया गया है, ठीक है। अगला जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो कॉमर्शियल रेंट को लेकर है। एक चीज और भी है, मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ, जो यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी केस में RCM एप्लीकेबल था अगर उसका यूज जो है अदर देन रेजिडेंशियल था। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पज के लिए है तब तो यहाँ पर GST की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है, रेजिडेंशियल पर्पज, ठीक है। लेकिन अदर देन रेजिडेंशियल पर्पज, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी वहां पर RCM पहले से ये लेकर आए थे। अब इन्होंने इसको भी 10 अक्टूबर से विद इफेक्ट फ्रॉम 10 अक्टूबर यहाँ पर जो है इस पर एनेबल कर दिया गया है। ये कैसे यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, इसमें जो ये सीरियल नंबर है 5AA के बाद 5AB इन्होंने ला दिया है। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ ए प्रॉपर्टी, कोई एक पर्सन है जिसके पास प्रॉपर्टी है अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, तो उसमें सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी आ जाएगी और ये आइडेंटिफाई आपको प्रॉपर्टी के पेपर से करना होगा, ठीक है। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। एक रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड का मतलब है जिस GST नंबर जिसके पास है, GST में जो रजिस्टर्ड है, अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से ये प्रॉपर्टी लेता है रेंट पे तो RCM उसको पे करना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेम उसी तरीके से आप जो है जब फाइल करेंगे रिटर्न की अगर हम बात करें तो GSTR 3B रिटर्न का एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, सेम उसी तरीके से आपको पहले टैक्स पे करना है और इसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। सेल्फ इन्वॉइसिंग सेम उसी तरीके से करनी है आपको, ठीक है। तो जो रेंट एग्रीमेंट है उसके बेस पर ही आपको इन्वॉइसिंग क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपने इस पर्टिकुलर पर्सन से ये पर्टिकुलर इतने दिन का या इतने मंथ का ये रेंट है और इस पर ये रिवर्स चार्ज का कंप्लायंस किया है। रिवर्स चार्ज के नॉन कंप्लायंस के भी काफी सारे प्रोविजंस है जिसमें पेनल्टी, इंटरेस्ट सब कुछ एनेबल है। तो ये इसकी जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 9 है और इस वाले की मेटल स्क्रैप की नोटिफिकेशन नंबर 6 है। आप ये CBIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारी नोटिफिकेशन आई है क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उनके लिए वीडियोज अपलोड की है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये पर्पज है इनका यहाँ पर लाने का वो सिंपल सा पर्पज है कि ताकि ट्रैकिंग हो सके कि कौन से पर्सन जो है वो अनरजिस्टर्ड है और वो ये चीज सप्लाई कर रहे हैं। एक तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये तो सप्लायर हो गया और यहाँ पर ये रिसीवर हो गया, ठीक है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस और यहाँ पर ये रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें कवर्ड हैं।
यहाँ पर जो है रेंट के केस में आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये रेजिडेंशियल वहां पर वर्ड यूज किया गया है वो अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वैसे वर्ड यूज किया गया है तो अदर देन में ये कवर हो जाएगी और जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसमें ये कवर होगी। तो रजिस्टर्ड पर्सन है एक सप्लायर और ये रजिस्टर्ड जो है रिसिपियंट है, तो इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा अगर वो पर्सन जो है बिजनेस यूज के लिए लेता है। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन है रिसिपियंट, ये सप्लायर है ये रिसिपियंट है, वो भी सोल प्रोवाइडर है लेकिन वो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो मैंने बताया था पर्सनल यूज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि इस पर कोई आरसीएम नहीं लगेगा, ठीक है। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि सप्लायर है और यहाँ पर जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है, तो उस केस में यहाँ पर जो है वो वैल्यू एग्जेम्प्ट में आएगी। अनरजिस्टर्ड पर्सन तो अनरजिस्टर्ड तो एग्जेम्प्ट है ही ऑलरेडी, एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है जो कि रजिस्टर्ड को बिजनेस पर्पज के लिए देता है, तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लीकेबल होगा, ठीक है, अगर बिजनेस पर्पज के लिए है। पर्सनल पर्पज के लिए है तो एग्जेम्प्ट है, सिंपल से रूल आया है। और अब ये रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड थ्रू रजिस्टर्ड जा रही है तो फॉरवर्ड चार्जेस जो है वो कि पहले भी अप्लीकेबल था, और अगर रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड जा रही है, ये सप्लायर जो है रजिस्टर्ड है और यहाँ पर ये रिसिपियंट हो ये जो रेंटिंग की सर्विस ले रहा है अनरजिस्टर्ड है, तो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लीकेबल था। अनरजिस्टर्ड दोनों पर्सन ही अनरजिस्टर्ड है फिर तो टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन अब यहाँ पर ये लास्ट वाली सिचुएशन को कवर कर लिया गया है जो कि पहले यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी नहीं आती थी। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको फॉलो करना है। बाकी ये दोनों नोटिफिकेशन है, इसके अलावा जो अदर नोटिफिकेशन है उसके लिए भी जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स जीएसटी के बेसिक वीडियोज, फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ यहाँ पर अपलोडेड है। लेटेस्ट जो भी अमेंडमेंट्स आती है या जो भी ऑनरेबल कोर्ट के इवेंट्स आते हैं वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो देखिए और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक